बोलो द सेवन एजेस ऑफ अ मैन, फिर से बोलो द सेवन एजेस ऑफ अ मैन। हम शुरू करने जा रहे हैं पहली पोएम, पहली पोएम जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ अ मैन। बोलो विलियम शेक्सपियर, बोलो विलियम शेक्सपियर। ये इसके हैं कवि, कौन है कवि, और अब इन्होंने क्या क्या बताया है मैं तुमको एक एक बार बताऊंगा, ध्यान देना पूरी पोएम के ऊपर। द सेवन एजेस ऑफ अ मैन, बोलो इसे बोलो इसे बोलो, मतलब एक इंसान की सात अवस्थाएं, कितनी सात। और ये पोएम जो है ना ये पूरी की पूरी अपनी जिंदगी से रिलेवेंट, अपने जिंदगी से संबंधित है, ये बात भी फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए पहली पोएम शुरू करते हैं अपने लिए, पेज नंबर 95। यस, जिनके पास बुक्स है वो बुक्स को जरूर खोलें और बुक्स में एक एक लाइन के ऊपर ध्यान दें। सबसे होशियार कौन है आपको, सबसे जल्दी बताओ, डियर बालिके शुरू है ना, हाँ डियर बोलो आप, एक मिनट, सात सात मतलब सात, हाँ बालिका बोलो। तो आपको हिंदी में याद है, आपको हिंदी में याद है, हिंदी में बोलो, चलो ये बालिका हिंदी में बोलेगी, खड़े हो जाओ, ये डियर हिंदी में बोलेगी, आप ध्यान से सुनना ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड। न्यायाधीश अवस्था, सैनिक अवस्था, इसको पानी पीना है बदमाश को, वहां सैनिक मर रहे अपने, सैनिक अवस्था, उसके बाद हाँ पेंटागन अवस्था, वृद्धावस्था। एक मिनट बालिका खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ वापस, संदीप फिर से बोलो हिंदी में, शेषवा अवस्था, विद्यार्थी अवस्था, प्रेमी अवस्था, सैनिक अवस्था, न्यायाधीश अवस्था, पेंटागन अवस्था और वृद्धावस्था। बैठ जाओ, धन्यवाद, बैठ जाओ, आप पूरी बात सुनो, बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव स्पोकन द राइट आंसर, यू हैव मतलब आंसर आपने सही दिया है, बट व्हाट इज द मिस्टेक यू नो, एग्जाम इंग्लिश में, हिंदी में वो नहीं, कोई फॉर्म नहीं था, शेषवा अवस्था, प्रेमी अवस्था, सैनिक अवस्था, वही ढेर हो जाओगे, समझ आ गई बात। तो शुरू करें, बोलो फिर से इन्फेंट, इन्फेंट, फिर से इन्फेंट, फिर से बोलो इन्फेंट, इन्फेंट, फिर से बोलो इन्फेंट, इन्फेंट, बोलो स्कूल बॉय, स्कूल बॉय, फिर से बोलो स्कूल बॉय, स्कूल बॉय, फिर से बोलो स्कूल बॉय, स्कूल बॉय, फिर से बोलो स्कूल बॉय, स्कूल बॉय, बोलो लवर, लवर, फिर से बोलो लवर, फिर से बोलो लवर, बोलो सोल्जर, सोल्जर, फिर से बोलो सोल्जर, होती है, चॉकलेट होती है, टिफिन होता है, पानी की बोतल होती है, होती है कि नहीं होती है,
बताओ, किताब को छोड़ के बाकी सब कुछ होता है ना। अभी क्या होता है, किताब किताब ही किताब होती है, बैग तो गुम हो जाता है। नेक्स्ट, फिर बोलो लवर। लवर प्रेमिका के लिए आने बोलता है, आने के गाने बनाता है, फिर वो ये आ गया। बोलो सोल्जर। सोल्जर अब यहाँ पर क्या होता है पता है, वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है संस्था में। नेक्स्ट बोलो जज। जज अब यहाँ पर क्या होता है पता है, उसके ऊपर पूरी दुनिया का, अब वो इतनी जिंदगी जी चुका है तो अब उसके जवान पर हमेशा एग्जाम्पल्स रहते हैं, उदाहरण रहते हैं। क्या रहते हैं? नेक्स्ट बोलो स्लीपर पेंटालू। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि उसके जवानी बड़ा शरीर था अब वो खत्म हो चुका है। अब अगर जब वो पैंट पहनता है ना तो पैंट ये इतना बड़ा होता है, उसने पैंट ढूंढना पड़ता है, बच्चा पता है कहाँ गया। जब मोजा पहनता है मोजा यहाँ तक आ जाता है, तो सॉक्स होता है ना वो यहाँ तक आ जाता है, जुराब होती है वो वाली। तो बताओ और यहाँ पर साइड में क्या रहता पता है, पैसा तमाम को काट दो सिस्टम। मगर ये तानसे मानसे नहीं, जो गंदगी पापा को भी लाके देते वो नहीं देनी है, ठीक है, समझाना है घर पे, कहीं से नुकसान होता है उसके लिए काजू खाओ, बादाम खाओ, अच्छी चीजें खाओ, ठीक है, गंदी चीजें कभी नहीं जाना लाइफ में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बोलो सेकंड चाइल्डिशनेस। सेकंड चाइल्डिशनेस तो मतलब सेकंड का मतलब फर्स्ट भी तो कुछ होता होगा ये बात। तो बताओ जब वो छोटा बच्चा था तो आवाज में दम होता है ऐसे, जैसे मान लो मैं छोटा बच्चा, मैं ऐसे पहले पहले ऐसे बोलता बचपन में, बताओ हे मम्मी दूध पा रहे नहीं बोला होगा ना, रोता होगा ऐसे किया होगा। तो बताओ सेकंड चाइल्ड क्या होता है, जो बूढ़े हो जाते हैं दादा वगैरह, तो जब वो चिल्लाएंगे भी ना पटेल को बोलेंगे स्लो मोशन में, कहने का मतलब अब उनकी आवाज में वो दम नहीं। और अब बताओ क्या उनमें वो ताकत रहेगी नहीं, तो अब जब वो बोलेंगे तो बोल ऐसा नहीं लगेगा कि वो बोल रहे हैं, वो लगेगा कि जैसे विशल बजा रहे, क्या कर रहे हैं, सीटी बजा रहे, क्या कर रहे हैं, बजा रही नहीं गंदी है, इंसान बनना है, ठीक है। आगे बढ़े, अब मैं लेता हूँ वर्ड, पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते का है वो का मैंने यहाँ। नेक्स्ट अब ध्यान देना, All the world is a stage and all the men and women and all the men and women merely players. They have their existence, their entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being seven ages. Her in pura sansar ek rangmanch hai. और यहाँ पर जो लोग आदमी और औरत मतलब इंसान जितने भी आदमी और औरत है वो सब क्या है, खाली प्लेयर्स है, क्या है मतलब वो इस पे यहाँ पर अदाकारी करने के लिए आते हैं, अपना रोल प्ले करने के लिए आते हैं, और जैसे ही उनका रोल पूरा होता है वो यहाँ से चले जाते हैं। और हर इंसान, हर औरत या फिर हर आदमी कितने रोल अदा करता है, सात भूमिका अदा करता है। पहली शुरू हो रही है, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूटिंग एंड पकिंग इन द नर्सिंग आर्म्स, मतलब क्या होता है, सबसे पहले इन्फेंट बोलो, इन्फेंट बोलो, इन्फेंट बोलो, इन्फेंट सबसे पहले होता है शिशु, कौन सा होता है शिशु, जो कि क्या करता है नर्स की आर्म से, मतलब यहाँ नर्स का मतलब ही नहीं कि वो जो तुम सोच रहे हो हॉस्पिटल में नर्स एक लेडी घूम रही है, नहीं, नर्स का मतलब होता है द पर्सन हु इज टेकिंग केयर, वो बंदा जो कि उसका ध्यान रख रहा है। मान लो तुम उसके मामा हो, ठीक है, और तुम्हारे आपने भांजी को दिया तो तुम भी क्या बनते, नर्स अंडा प्लेयर होगा, तो जो भी उसको खिला रहा होता है, जो भी उसके साथ खेल रहा होता है, उसके हाथों में सीधी जरूरी है उल्टी के आगे का केस क्या आया, ये ऊपर टीवी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो बार बार रोता है और बार बार क्या करता है उल्टियाँ करता है। फिर आगे लिखा हुआ है देन द माइनिंग स्कूल बॉय, माइनिंग का मतलब होता है शिकायतें करता हुआ, कौन सा बताओ, बार बार शिकायतें करता है, माता स्कूल नहीं जानो, मतलब मैं नहीं सीखता हूँ, मतलब स्कूल में मतलब मार्शल मारे, फिर क्या होता है पता है, सब मार के मार्शल लेवल का पास आ एक रोना कमी करे फिर ऊपर क्या आता है होता है ना, शिकायत करता जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट डियर, नेक्स्ट इज व्हाट विद हिज सेसे, बोलो सेसे, सेसे बोलो सेसे, सेसे। ये स्पेलिंग बात को ध्यान देना, ये ध्यान देने लायक स्पेलिंग है, देखो आपने है ना टीवी में सुना होगा अ पेंटिंग का नया सेसे, पता है शैम्पू आते हैं एक एक रुपए वाले, तो बताओ सेसे तो इतना छोटा होता है, इसीलिए तो बोला गया स्कूल का जो छोटा बच्चा होता है उसके बड़ा बैग नहीं होता, एक तो बड़ा बैग नहीं होता है, इसमें तो उसकी पूरी जिंदगी आ जाए, छोटू सा बैग होता है उसके पीछे भी क्या लगा होता है ना, तो बताओ मुझे बताओ, बोलो सेसे, टी है एल है लेकिन पढ़ना क्या है इसको, फिर से बोलो सेसे का मतलब क्या, बोलो स्मॉल बैग, बोलो
पूरी बात सुनना इंपॉर्टेंट बात। अगर ये चार लाइनें आ जाती है, सोलवा सवाल तो आएगा व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ अ लैंड, व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ अ मैन, के सेकंड स्टेज कौन सी तो बता दोगे स्कूल बॉय। लेकिन लिखा हुआ आएगा फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस अ स्मॉल बैग, तो कैसे पता लगाओगे सेंस फंडा क्लियर हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पोएम के अंदर स्पेलिंग याद कर लेना बहुत बुरे हो गए। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज व्हाट विद हिज सेंसे एंड शाइनी मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, ये देख लो यहां पे क्या बोला पता है, और जब आपको मम्मी आपके स्कूल भेजती थी तो इतना तैयार करके भेजती थी, पैरों के नीचे भी छत्ता मामा बनाते थे कि नहीं बनाते थे, ऐसे छोटे के वो मेरे बेटे के नजर न लगे, ये सब देखो इमोशनल हो रहे हैं बच्चा इमोशनल हो रहा है, या कान के पीछे भी करते थे कि नहीं करते थे बच्चे के नजर न लग जाए। दूसरी बात छत्ता कैसे का पता है, कोई जल्दी नहीं आ अगर मान लो स्कूल, अगर मान लो स्कूल 100 कदम की दूरी पे तो भी वो 500 कदम चल के जाता है, ऐसे पता है, मान लो स्कूल यहाँ पर है, अपना घर यहाँ पर है, तो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे। अब क्या होता है पता है, अब जब तुम बड़े हो गए हो 9:30 बजे उठे, मान लो 9:45 की स्कूल है, 9:30 बजे उठे हो 9:45 की तो भी पहुंच जाओगे, पहले क्या होता पता है 9 बजे भी घर से निकलते तो भी नहीं पहुंचते, होता था कि नहीं होता था, क्यों, क्योंकि बचपन में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होता है, जब बड़े हो जाते हो तो भी जो पढ़ाई में सीरियस है उनको इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वरना बड़े हुए तो भी आगे बचता है, ऐसे ही है स्कूल भी याद है। चल याद ही पानी लिख दीजिए, बैग साइड होता है कि होता है, नेक्स्ट है। उसके बाद क्या बोला, देखो बताओ कौन कौन सी पूरी हो गई, इन्फेंट पूरी हो गई, स्कूल बॉय पूरी हो गई, अब कौन सी आएगी, जब वो क्या करता है पता है, अपनी जो प्रेमिका है ना उससे मिलने के लिए बार बार आगे बढ़ता है, क्या बढ़ता है, क्या लिखा है, साइन लाइक फर्नेस, देखो लिखा है फर्नेस, बोलो फर्नेस, बोलो पट्टी, पट्टी में कैसे आग जलती है, वैसे वो अपनी प्रेमिका की बहु, बहु मतलब यहाँ पे कल्पना की गई है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसकी यादों में रहता है और उससे मिलने के लिए पागल बना रहता है। बंडा क्लियर हुआ, आगे नेक्स्ट, then a soldier full of strength, oaths and bearded like the part, zealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. फिर लिखा है बाद में आती है soldier वाली stage, कौन सी आती है, soldier सैनिक कैसे होते हैं बताओ, सैनिक कैसे होते हैं, उनके बाल छोटे होते हैं, yes, दाढ़ी दाढ़ी वाड़ी का वो ध्यान नहीं रखते, मतलब उनको संवरने का टाइम उनको नहीं है, वो किसके लिए रेडी रहते हैं, वॉर के लिए, युद्ध के लिए, किसके लिए, और देश के लिए मरने मिटने के लिए वो तैयार रहते हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं होती, वो क्या चाहते हैं पता है, थोड़ी सी इज्जत, क्या चाहते हैं, देश का सम्मान मिल जाए उनको, भारत माता का उनको सम्मान मिल जाए, भैया मेरे देश का ये बेटा मेरे लिए शहीद हुआ, इतना सम्मान मिल जाए, बोलो बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन का मतलब क्या पता है, बरसात हुआ पता है, बारिश होती है, पानी का बूंद गिरता है और थोड़ा बुलबुला बनता है पता है, लेकिन देखना वो एक सेकंड भी नहीं रहता है, क्या था मुस्तादार बारिश होती है, रुकता नहीं रहता, फूटता बरसात है वो फट करके खत्म हो जाता है, इतना मूवमेंट, इतने देर के लिए भी अगर किसी सैनिक को सम्मान मिल जाए तो वो अपने देश के लिए मरने के लिए रेडी रहता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो सैनिक वाली स्टेज है उसमें वो बंदा क्या करता है, अलग अलग प्रकार की स्वागत दिखाता है, जो पार होता है लेपर्ड होता है उसके जैसी दाढ़ी बना के रखता है, और देश के लिए मरने मिटने के लिए थोड़ी सी सम्मान के लिए भी वो मरने के लिए रेडी रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं उसके बाद, एंड देन द, और हाँ, इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन का मतलब यहां पर है तो, क्या है मतलब, उसको तोप के आगे भी खड़ा कर लो तो भी वो खड़ा होने के लिए रेडी रहता है। एक मिनट लाल वाले वाले खड़े हो जाओ, बोर्ड पे नहीं देखना मुझे, देखना पहली स्टेज कौन सी है, इन्फेंट, हाँ इन्फेंट, फिर से इन्फेंट, आप निकालो इन्फेंट, इन्फेंट हमेशा ध्यान रखना, हर टीचर का रोल नहीं है कि फिर टीचर हर बच्चे पे ध्यान दे, अब आप बोल रहे हो इन्फेंट, मैंने भैसा लिखा है इन्फेंट, कैसे काम चलेगा, सीधा कोटा होगा, यहाँ फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है कि वहां पर इंग्लिश नहीं देखी जाएगी, यहाँ तो इंग्लिश ही तो देखनी है टीचर को, अगर एक भी अक्षर कोटा हो गया सीधा वो तो क्रॉस मारेगा, उसकी क्या फर्क पड़ता है भाई, इन्फेंट क्या है, इन्फेंट जो इंसान बोलता है ना वो लिखा जाता है,
ये याद है। दूसरी बोलो स्कूल बॉय, फिर से स्कूल बॉय, तीसरी स्कूल स्कूल बॉय, स्कूल 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 बॉय, वो कौन अपन कौन सुधार कर, फिर से बोलो लवर्स नहीं लवर, तुम तो बोल हाँ सोल्जर सोल्जर बोल ठीक हाँ जज सर समय जज, फिर से बोलो जज, फिर से बोलो जज, छठी अब इधर देखना अब उधर मत देखना बोलो ना उसे आप क्यों इतना उसे नहीं बोला उधर से लोग वही नहीं बोला था हिंदी में भी नहीं बोल पा रहे थे बोला आपके बड़ी बाउंड्री है हम बोल ही नहीं पा रहे चलो भाई तुम देखो कौन है पर दो बच्चे तो अब बोलना अब आ जाएगा बोलो अब थोड़ा पॉज देके बोलेगा बोलो हाँ स्लीपर खाता तू स्लीपर खाता वाले भी स्लीपर और लास्ट में चलो ये अभी जो अकल यूज की थोड़ी कहाँ बोल अगर मान लो एक दो नंबर चाहिए तो ऐसे अकल यूज कर लेना है ना पैकल स्टडी पांच ऐसी बोली थी लगा मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया आज का पार कर गया जैसे मैंने बोला आप मुझे देख रहे हैं पैसा कैसे दिया अब बताओ अभी तक अपन ने कितनी पूरी की चार अब आ रहे हैं अपन जज के इसके ऊपर सुनना इंपॉर्टेंट बात जज को पढ़ाने से पहले अपनी लाइफ में देखो अपने पापा को देखो लगभग लगभग अपने पापा को जब आप छोटे थे लगभग लगभग ये हुआ आपके पापा स्लिम फिगर के थे पता है लेकिन अब जब अपने पापा को देख रहे हो थोड़ा ये पेटू बाहर आ गया बेचारा जी और ये अपन तो पिता वैसे रख के पढ़ते हैं पापा का ज्यादा पेट आगे कर कई सारे उदाहरण मिल जाते हैं जैसे अब सर है सर ने कई तुमको ही पढ़ाया
कई बच्चों को पढ़ाया, मैंने भी कई बच्चों को पढ़ाया, तो बताओ इससे क्या होगा? हमको पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा फोकस करके पढ़ रहा है और कौन सा टाइम पास खाली देख रहा है, और सर देखो पूरा ध्यान है लेकिन नीचे कुछ और चल रहा है। समझ आ रही बात नहीं आ रही? ऐसा होता है कि होता है अपने मास्टर पकड़ते फिर बोलते हैं बुक में बता कहाँ पढ़ा रहे, फिर उसका ध्यान नहीं होता है। तो बताओ यहाँ पर क्या मॉडर्न इंसिडेंस का मतलब? अब उसने दुनियादारी पूरी समझ ली है और अब उसके जवाब पर बोलो, अब उसके बुक पर मॉडर्न एग्जाम्पल्स टू स्पीक, उसके जवाब पर हमेशा कुछ आधुनिक उदाहरण रहेंगे ही, आधुनिक बोल रहेंगे ही बोलने के लिए। मतलब कोई अगर छोटी सी भी भूल कर देगा तो उसे ऐसे तरीके से डांटेगा कि बेटे वादी का विक्री मतलब ऐसा करने भी होता है कि होता है वो वाले सिस्टम। नेक्स्ट इज व्हाट? तो बताओ ये कौन सी स्टेज थी? कौन सी? वेरी गुड। देखो जस्टिस बोलो भले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके जो पर्यायवाची शब्द है सिनोनिम्स है वो याद रखो। जज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पक्का क्लियर हुआ? तो बोलो जज, जस्टिस, बड़ा क्लियर हुआ क्लियर आपको भी? नेक्स्ट इज व्हाट ध्यान देना। नेक्स्ट अब बताओ ये कौन सी थी? तो बताओ लास्ट भी सेकेंड लास्ट कौन सी है? ये बार भी बोर्ड है वहां पर पूछ लेंगे। बोलो सेकेंड चाइनीजनेस। तो बताओ ये कहां पर है सेकेंड चाइनीजनेस? लास्ट। तो बताओ लास्ट से जो पहले होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड लास्ट। तो बताओ सेकेंड लास्ट कौन सी है? एग्जाम में कई बार सर ऐसा What is the second last stage? Second last पूछे तो यूनिक लास्ट दिमाग बैठो। Second last पूछे तो स्लीपर बैठा बैठो। First पूछे तो ये वाला। आ दिमाग में पक्का पक्का क्लियर है? Next स्लीपर बैठा रूम पे आते हैं। आगे बोलता है sixth age shift into the lean and slipper pantaloon। अब एक्चुअली पैंटालून का मतलब क्या होता है? सुनो विदेशों में जैसे अपने यहाँ पर जोकर नहीं होते, जोकर उनके आगे टमाटर का टमाटर लगाते हैं फिर वो थोड़ी बहुत पागलपणी करे जो अपने अश्लू आम है करते हो ना ऐसे करते थे, तो वहां पर पैंटालून होते हैं। क्या होते हैं? आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद शायद आपने टीवी में देखा होगा ऐसे बड़े बड़े पैंट पहनते हो, लंबे लंबे पैंट पहनते हो, पता है कुछ याद आ रहा है? भाई पढ़ाया अब जो अपन मुस्तले बन के घूमते हैं, अब जो अपनी आवाज है बुढ़ापे में ऐसी होगी क्या? नहीं, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट? विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउथ आगे निकल
लिखा हुआ है ही इज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज सन सैंग एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन सॉरी हाँ ही इज यूथफुल होज यहां तक अभी पूरी हो गई स्लीपर पहनता हूं अब आती है सात रिंग सात रिंग क्या हो रहा पता है उसके जो मोजे जो बचा के रखे थे अब वो मोजे बड़े हो गए क्या हो गए या यू कह सकते हो मोजे तो वो क्या वही है टांगे छोटी हो गई फिर पता है पतले अब वो पैर पतले पड़ जाते हैं बॉडी अपनी कमजोर हो जाती है तो वही सर जैसे खूटी पे लटका दे वैसे का वैसे सिस्टम हो जाएगा अंडा क्लियर हुआ आगे सन सेट एंड बिग मैनली वॉइस बोलो मैनली वॉइस का मतलब क्या होता है यार मैनली का मतलब क्या आदमी वाला जरूरी नहीं है समझना भावनाओं को समझना फॉर्म में हमेशा ये वैसे तरह कविता में जो लिखा है उसका मतलब अर्थ कुछ अलग होता है शब्द अलग होते हैं बिग मैनली वॉइस का मतलब क्या है कि आदमी की आवाज मतलब जो उसकी आवाज में जो दम था अब वो खत्म हो चुका होता है क्योंकि अब जब वो बूढ़ा हो गया तो अब उसमें उतनी ताकत नहीं रही कि वो उतना जोर से बोल सके तो अब उसकी आवाज आपको पता है घर पे एम्पलीफायर लगाओ तो उसमें एक ट्रेबल होता है क्या लाया अरे बास भी होता है ऐसी आवाज लगेगी जैसे क्या बज रही है आगे लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड दिस इवेंट स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री अब आता है अंतिम अंतिम स्तर कौन सा है सेकंड चाइल्डिशनेस अब बताओ सेकंड चाइल्डिशनेस जब वो बूढ़ा इंसान चित्तर के ऊपर जाएगा क्या उसको सब चीजें याद रहेगी कि उसने अपनी चीजें कहां रखी है उसको खट्टा पिलाओगे पता चलेगा खट्टा खा रहा है मीठा खा रहा है कड़वा खा रहा है नहीं उसको प्रॉपर दिखाई देगा नहीं उसको उनको प्रॉपर सुनाई देगा नहीं मतलब बोलो सेंस टीथ सेंस टेस्ट इसे बोलो सेंस टीथ सेंस टेस्ट सेंस एवरीथिंग ना तो अब वो चबा सकते हैं ना वो किसी चीज का स्वाद ले सकते हैं ना वो किसी चीज को ढंग से देख सकते हैं ये वाली कौन सी स्टेज है लास्ट स्टेज है बोलो सेकंड चाइल्डिशनेस दूसरा बचपन और ऐसा देखा भी होगा तुमने रियल लाइफ में होता भी है अपने डॉक्टरों का इसलिए उनका आदर किया करो ठीक है अपने कभी अपना वर्ग पालन किया होगा जब अपन छोड़े थे अपना अपनी फर्ज बनता है कि अपन उनका पालन करें इसी प्रकार से ये पोम इसी कारण से डाली गई है पक्का क्लियर हुआ दिमाग में यहाँ तक पूरी होती है कितनी पोम सात पोम इसके कवि कौन थे पहला नाम बताओ फिर से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं अब मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा इसका कारण है पता है थोड़ी देर पहले जब शुरू किया था शेषवा विद्यालय कभी भी ध्यान रखना है हिंदी में हिंदी खूब पढ़ो गहराई से इंग्लिश की जब बात आ रही है शेषावस्था वृद्धावस्था यहाँ नहीं चलेगी क्या काम आएगी वो काम ही नहीं आएगी अवस्था एज बोल रही हूँ समझ आ रही बात जब इंग्लिश की बात आ रही है प्रॉपर इंग्लिश ज्यादा हिंदी में नहीं घुसना है हिंदी आदर बहुत छोड़ो लेकिन जब इंग्लिश की बात आ रही है इंग्लिश में फंडा क्लियर हुआ घर पे जाके पूरी की पूरी रिपीट करोगे ये यूट्यूब पे अवेलेबल है।